हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक कविता जिसका नाम है चूहेरा। ऊपर मेवे का गोदाम, नीचे रहते चूहे राम। ऊपर मेवे का गोदाम, नीचे रहते चूहे राम। सारा दिन चोरी का काम, खाते पिस्ता और बादाम। सारा दिन चोरी का काम, खाते पिस्ता और बादाम। आ जाए जो बिल्ली रानी, याद आ जाए इनको नानी। आ जाए जो बिल्ली रानी, याद आ जाए इनको नानी। तो इस पोयम में कौन से दो एनिमल्स की बात हो रही है? एक तो चूहे की और दूसरा बिल्ली की। तो यहाँ पर इस पोयम में ये बताया जा रहा है कि ऊपर एक मेवे का गोदाम है। मेवा मतलब काजू, बादाम, अखरोट, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका एक गोदाम है, मतलब बहुत सारा स्टोर में रखा हुआ है ड्राई फ्रूट्स। और नीचे कौन रहता है? चूहे राम रहते हैं। और पूरे दिन वो क्या करते हैं? चोरी का काम। पूरे दिन वो पिस्ता और बादाम खाते रहते हैं जो स्टोर में रखा हुआ है। और पूरे दिन वो मस्त रहते हैं, उन्हें तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि चूहों को तो आपको पता है, आपके भी घरों में होंगे चूहे, तो उन्हें खाने से ज़्यादा खेलना पसंद होता है। तो कहीं पर भी जाकर उछल पान करना और कूदना, इधर उधर भागना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके कुतरना, तो ये उनकी एक आदत होती है। तो उनको तो बहुत मज़ा आ रहा होता है क्योंकि वहाँ पे मेवे का गोदाम होता है। तो पूरे दिन वो लोग खाते हैं, खेलते हैं, बहुत मज़ा आता है उनको। लेकिन अगर आ जाए जो बिल्ली रानी, अगर वहाँ बिल्ली रानी आ गई तो याद आ जाए इनको नानी, मतलब तो बिल्ली अगर आ गई तो चूहे को क्या होगी? वो तो खा जाएगी। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि ये जो इतने बड़े मज़े आ रहे हैं चूहों को और पिस्ता बादाम खा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो अभी तो बहुत मज़े आ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बिल्ली आ जाए तो ये सारे दुम दबाकर भाग जाएंगे, है ना। तो आप लोग भी ये देखिएगा कि क्या आपके घर में भी चूहे हैं। अगर हैं तो आप भी उनको भगाने की कोशिश कीजिएगा, है ना। मम्मी से कह के उनके लिए दवाई डालिएगा, या फिर उनके लिए एक चूहेदानी आती है, इस तरह से उन्हें पकड़ लीजिएगा और बाहर फेंक दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार और पढ़ते हैं। ऊपर मेवे का गोदाम, ऊपर मेवे का गोदाम, नीचे रहते चूहे राम। नीचे रहते चूहे राम। सारा दिन चोरी का काम, सारा दिन चोरी का काम। खाते पिस्ता और बादाम, खाते पिस्ता और बादाम। आ जाए जो बिल्ली रानी, आ जाए जो बिल्ली रानी। याद आ जाए इनको नानी, याद आ जाए इनको नानी। चलिए अब हम हर लाइन को वन वन टाइम पढ़ेंगे और आप मेरे साथ पढ़िएगा। ऊपर मेवे का गोदाम, नीचे रहते चूहे राम। सारा दिन चोरी का काम, खाते पिस्ता और बादाम। आ जाए जो बिल्ली रानी, याद आ जाए इनको नानी। ओके बच्चों, तो ये कविता आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।